हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान के पार्ट 1 के नोट्स पढ़ेंगे। देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को हमारे साथ साथ में अच्छे तरीके से पढ़ते जाएगा, जिससे आप छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। नहीं तो साथियों, पिछले साल बहुत सारे विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल में फेल हुए थे, इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल होंगे। यदि आपको फेल नहीं होना है तो आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को हमारे साथ साथ में अच्छे तरीके से पढ़ते जाएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजनीति विज्ञान क्या है? यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि राजनीति विज्ञान क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर है, राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञान का वह हिस्सा है जो राज्य की स्थापना तथा सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है, राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, राजनीति विज्ञान का संबंध आनुभविक तथ्यों तथा नियामक समस्याओं से है। चलेगा बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, राजनीति शब्द किस शब्द से लिया गया है? यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि ये जो राजनीति शब्द है ये किस से लिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, राजनीति शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? पोलिस शब्द से लिया गया है। चलेगा बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को क्या कहा है? यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को क्या कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को ही मास्टर विज्ञान कहा है। राजनीति विज्ञान को क्या कहा है? मास्टर विज्ञान कहा है। चलेगा बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, किसने राजनीति को अमीर और गरीब के बीच संघर्ष बताया है? यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि किसने राजनीति को अमीर और गरीब के बीच संघर्ष बताया है? यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, मार्क्सवाद ने राजनीति को अमीर और गरीब के बीच संघर्ष बताया है। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो, चलेगा मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है और उसके बाद में आपके मोबाइल में जहां पे भी गूगल लिखा होगा उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहां पे आपको लिखना है MOST उसके बाद में स्पेस EXAM, इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है और उसके बाद में यहाँ पे जो आपके सर्च का बटन दिया गया है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे जो आपके मोस्ट एग्जाम लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपको थोड़ा नीचे आना है, थोड़ा और नीचे आएगा, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल और उसके बाद में इधर जो आपके क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में थोड़ा आपको यहाँ पे आगे आना है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की सभी जानकारी देखें, उसके बाद में यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 के सभी विषयों के यहाँ पे नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको राजनीति विज्ञान के नोट्स देखने हैं तो उसके लिए यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 राजनीति के सभी नोट्स है, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 के राजनीतिक विज्ञान के सभी पार्टों के यहाँ पे नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको पहले पार्ट के नोट्स देखने हैं तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान के पहले पार्ट के नोट्स खुल जाएंगे, तो यहाँ पर आकर भी आप अच्छे तरीके से इन नोट्स को पढ़ सकते हो। चलेगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के मैकियावेली ने किया था। किसने किया था? इटली के मैकियावेली ने किया था। आई बात आपको समझ में? चलेगा बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवें प्रश्न में कहा जा रहा है, पूंजीवाद और बाजार को क्या माना गया है? यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि पूंजीवाद और बाजार को क्या माना गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, पूंजीवाद और बाजार को एक ही सिक्के के दो पहलू माना गया है। आई बात आपको समझ में?
चलेगा, बढ़ते आठवें प्रश्न की तरफ। आठवें प्रश्न में कहा जा रहा है नागरिकों के अधिकारों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर है नागरिकों के अधिकारों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, तीन भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें आपके पहला नागरिक अधिकार है, दूसरा आपके राजनीतिक अधिकार है और तीसरा आपके सामाजिक अधिकार है। आई बात आपको समझ में। चलेगा, बढ़ते हैं नवें प्रश्न की तरफ। नवें प्रश्न में कहा जा रहा है न्याय शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है न्याय शब्द लैटिन भाषा के जस्ट शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है बंधन या जोड़ना। आई बात आपको समझ में। तो आपके पहले पार्ट के इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से जरूर पढ़िएगा। और अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम आगे वाले चैप्टर के जैसे ही नोट्स अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अगले चैप्टर के नोट्स देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।